देखिए, बीते दिन आपने और हमने मिलकर SBS के बप्पा का विसर्जन किया, और क्योंकि इको फ्रेंडली गणेश जी थे तो अपने ऑफिस के परिसर में ही हमने किया। यही वजह है कि आज भी इनकी प्रेजेंस जो है ना हमारे बीच में है। और कुछ ऐसे ही विदा किया अनुपमा और सीरत ने मिलकर गणेश जी का, और पहुंचे राजन शाही भी। बप्पा को जब आखिरी विदाई देने का मौका आता है तो सच में वो पल बहुत ही भारी हो जाता है। बड़े हो, बच्चे हो या हो बूढ़े, हर किसी के लिए ये पल बहुत ही दुख भरा होता है। लेकिन साथ ही एक उत्साह भी रहता है कि इस साल बप्पा जा रहे हैं तो अगले साल फिर आएंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा के सेट पर गणपति स्थापना की गई थी। गणपति जी को गाजे बाजे के साथ लाया गया था। 11 दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना हुई, और अब देखिए बप्पा की विदाई का दिन आ गया। इस सेट पर मौजूद कलाकारों ने बप्पा की आरती की और उन्हें आखिरी विदाई दी। वैसे अगर शिवांगी जोशी यानी कि सीरत की बात करें तो जब से वो इस शो से जुड़ी हैं, हर साल उन्होंने बप्पा का स्वागत किया है, लेकिन ये साल इस शिवांगी के लिए आखिरी होगा इस सेट पर। क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी आ रही है ना कि शिवांगी जोशी अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा नहीं रहेंगी, क्योंकि कहानी नए अध्याय की ओर बढ़ रही है जिसमें अब नए किरदार जुड़ेंगे। अब सीरियल में किरदार रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता जो एक बार जुड़ गया वो रिश्ता तो हमेशा ही जुड़ा रहेगा, क्यों शिवांगी, सही है ना। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।